बीते दो दिनों में हरियाणा में राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बदले हैं। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हुआ, फिर नायब सैनी राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित किए गए और आज सदन में उनकी सरकार ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया। जो मैजिकल फिगर है, जो मैजिकल नंबर सदन में चाहिए, उसे आसानी से उन्होंने पा लिया। और ये पहले से तय था क्योंकि बीजेपी के पास 41 विधायकों की संख्या, 6 निर्दलीय और इसके अलावा एक और जो कांडा है उन्होंने यहाँ पर, गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के, उन्होंने समर्थन दिया। तो 48 ये नंबर आसानी से हो गया। विधानसभा की सीटें जो हैं वो कुल 90 हैं। लेकिन इस बीच जेजेपी में टूट की खबर भी सामने आई। दुष्यंत चौटाला ने आज क्या ऐलान किया, एक रैली थी हरियाणा के हिसार में और उस रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये एक एक करके आपको वीडियो के जरिए मैं बताती हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि सदन के अंदर ध्वनिमत से जो फ्लोर टेस्ट था वो नायब सैनिक की सरकार ने आसानी से पास कर लिया, विश्वास मत उन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन आज ही हरियाणा के हिसार में एक रैली हुई और ये रैली थी, जेजेपी के अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन भी था और इसी मौके पर इस रैली का आयोजन यहाँ किया गया था। ये नव संकल्प रैली जिसमें दुष्यंत चौटाला पहुंचे और काफी मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साध दिया। और सबसे पहले शुरुआत यहीं से की कि ये सब कुछ जो हरियाणा में हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें हटाने के लिए हुआ। यहाँ पर उन्होंने एक मुलाकात का भी जिक्र किया, वो मुलाकात जेपी नड्डा के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी क्योंकि सीट शेयरिंग की बात हुई थी। उस मुलाकात के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर भी बातें हुई कि जेजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। जेजेपी 2 सीटें मांग रही थी जबकि सभी सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी, लोकसभा की सभी सीटों पर। यह भी एक मुद्दा वहां से सामने आया। अब इसी पर दुष्यंत चौटाला ने यह कहा कि उनकी मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा के साथ और जेपी नड्डा ने ऑफर दिया कि रोहतक की सीट से आप चुनाव लड़िए। इस पर चर्चा करने के लिए दुष्यंत चौटाला अजय सिंह चौटाला के पास पहुंचे, चर्चा उन्होंने की तो अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी से ये कह दें कि अगर पेंशन की जो रकम है वो 5100 रुपये बीजेपी कर देगी तो सभी सीटों पर बीजेपी लड़ ले, हमें सीट नहीं चाहिए। ये बात लेकर दोबारा दुष्यंत चौटाला जेपी नड्डा के पास पहुंचे और जैसा कि उन्होंने कहा कि रात के 1 बजे वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात में उन्होंने इस बात का जिक्र किया जो ऑफर अजय चौटाला की तरफ से दिया गया था वो उन्होंने जेपी नड्डा को बताया। जेपी नड्डा ने कहा कि ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे और आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे, जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे था, उसका उद्घाटन जिस दिन किया था उस दिन मनोहर लाल खट्टर की उन्होंने खूब तारीफ की थी। इस पर भी चुटकी दुष्यंत चौटाला ने ली। उन्होंने कहा कि जैसे ही तारीफ हुई थी, जिस तरीके से तारीफ प्रधानमंत्री ने की थी, उसके बाद हमारे जानकार तो ये कह ही रहे थे कि हमारे साथ साथ उनकी भी विदाई होगी और यही हुआ। यानी दुष्यंत चौटाला को तो बाहर करना ही था, मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज को भी बाहर करना था, जो कि आसानी से बीजेपी ने यहाँ कर दिया है। इसके अलावा भावनात्मक अपील दुष्यंत चौटाला आज करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा की जनता से अपनी शक्ति लेते हैं, अपनी ताकत लेते हैं और हरियाणा की सेवा का जो काम है वो लगातार हम करते रहेंगे।